वेलकम टू द चैनल आरवी फैंटेसी 7। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एनबीए का जो मैच होने वाला है लियो और लॉस पेलिकंस वर्सेस डैलस मैवरिक्स के बीच में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या कुछ रही थी लास्ट मैच की विनिंग, तो ये रही रिसेंटली मैचेस की विनिंग 11 आउट ऑफ 11, और जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी 12 आउट ऑफ 12। बाकी अगर यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और फाइनल टीम के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर लिंक वर्क नहीं करती तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RVFantasy7। दोनों टीम का अगर यहाँ पर बात करें तो दोनों टीम की तरफ से बहुत सारे यहाँ पर इंजरी अपडेट्स है, बाकी बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर लास्ट की 20 से 30 मिनट में हो सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करेंगे दोनों टीम, तो डैलस की तरफ से यहाँ पर यल्डोनसिक जो कि लास्ट मैच खेलने रहे थे, इन पर GTD गेम टाइम डिसीजन है, खेलते हैं नहीं खेलते अभी कन्फर्म नहीं। बाकी यहाँ पर अगर ये खेले तो एज अ स्टार्टर यहाँ पर डैलस की तरफ से पॉइंट गार्ड से, अगर यहाँ से यल्डोनसिक नहीं खेलते तो यल्डोनसिक की जगह पर आपको जेबनसन एज अ स्टार्टर देखने को मिलेंगे। जे रिचर्डसन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्मॉल फॉरवर्ड से डिफिन स्मिथ डिफेंसिव खेलते हैं। बाकी यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिफिन स्मिथ, के पोर्जिंग्स और यम किल्बर। के पोर्जिंग्स पर भी GTD गेम टाइम डिसीजन है, खेलते नहीं खेलते अभी कन्फर्म नहीं। यम किल्बर कन्फर्म ही खेलेंगे और टाइम अच्छा खासा मिलेगा। प्रोबेबल 5 स्टार्टर डैलस की तरफ से आपको यहाँ पर ये 5 स्टार्टर देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करेंगे न्यू ऑरलियंस पेलिकंस, तो न्यू ऑरलियंस पेलिकंस की तरफ से यल बॉल यहाँ से खेलने रहे, उसी के साथ साथ केलेवी जेआर 515 क्रेडिट के प्लेयर है, टाइम अच्छा खासा मिलेगा। यल बॉल की जगह पर इब्लेटसन स्टार्ट करेंगे, यल अलेक्जेंडर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बीनग्राम यहाँ से आपको एज अ स्टार्टर देखने को मिलेंगे, जेड विलियमसन बेस्ट SPPP चॉइस सेंटर से स्टार्ट करेंगे, यस अडम प्रोबेबल 5 स्टार्टर आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं न्यू ऑरलियंस पेलिकंस की तरफ से। लास्ट मैच का जो परफॉर्मेंस रहा था न्यू ऑरलियंस पेलिकंस का, यल बॉल खेलने रहे थे तो केलेवी जेआर एज अ बेंच प्लेयर खेले थे, और केलेवी जेआर को लास्ट मैच में टाइम अच्छा खासा मिले थे 16 मिनट, उसमें दिया थी उन्होंने 6.1 रिबाउंड 3 असिस्ट क्रेडिट के हिसाब से बेस्ट टाइम मिला था। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी बेस्ट परफॉर्मेंस आया था 16.1 रिबाउंड 6 असिस्ट और 2 ब्लॉक के साथ। बाकी एज अ क्रेडिट से और आप इनको ट्राई कर सकते हो, टाइम अच्छा खासा मिलेगा क्योंकि यहाँ से यल बॉल खेल नहीं रहे। बाकी यहाँ से आपको 10+ मिनट यहाँ से खेलने को मिल सकती है। बाकी इब्लेटसन एज अ स्टार्टर करेंगे, यन अलेक्जेंडर रिसेंटली मैचेस दोनों के लिए भी यहाँ पर बढ़िया गए। लास्ट मैच जो रहा था यन अलेक्जेंडर के लिए खेले थे यहाँ पर बेस्ट टाइम मिला था 39 मिनट खेलकर 14.5 रिबाउंड 5 असिस्ट 2 ब्लॉक 2 स्टील। इब्लेटसन 16.4 रिबाउंड 9 असिस्ट 2 6 असिस्ट 2 स्टील के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस आया था। जो सेकंड मैच रहा था इब्लेटसन एवरेज गए थे, लेकिन एला अलेक्जेंडर यहाँ पर भी बेस्ट परफॉर्मेंस आया था 18.7 रिबाउंड 3 असिस्ट और 1 स्टील के साथ। दोनों भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर है, खास करके यन अलेक्जेंडर जिनका यहाँ पर दोनों मैचेस में बेस्ट परफॉर्मेंस आया है एज अ स्टार्टर करते हुए। इब्लेटसन लास्ट मैच बढ़िया रहा लेकिन सेकंड मैच एवरेज गए थे, प्लस यहाँ पर यन अलेक्जेंडर को टाइम यहाँ से बेस्ट मिलता है। बीनग्राम एज अ स्टार्टर करेंगे, जे हटर एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे। बीनग्राम का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 37 मिनट खेलकर 13.3 रिबाउंड 5 असिस्ट 2 6 असिस्ट 1 ब्लॉक किया था। जे हटर बैंक से बेस्ट टाइम मिला था 10.8 रिबाउंड 2 असिस्ट 1 ब्लॉक और 1 स्टील के साथ। जे हटर का जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी 5 स्टील 6 असिस्ट 15 रिबाउंड और 2 पॉइंट के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस आया था। बीनग्राम यहाँ पर 36.3 रिबाउंड 4 असिस्ट यहाँ पर आए थे। तो दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर मिल जाएंगे, खास करके जे हटर जिनकी स्ट्रेंथ है स्टील बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर यहाँ पर ये स्टील दे दे तो आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम इलेवन पॉइंट यहाँ से दे देंगे। जेड विलियमसन बेस्ट SPPP चॉइस यहाँ से मिल जाएंगे। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस जेड विलियमसन का टाइम मिला था बेस्ट 39 मिनट खेलकर 39.10 रिबाउंड 5 असिस्ट 2 ब्लॉक और 1 स्टील के साथ। जो सेकंड मैच रहा था जेड विलियमसन का यहाँ पर भी 27.9 रिबाउंड 5 असिस्ट 2 6 असिस्ट 1 स्टील। तो यहाँ पर रिबाउंड भी अच्छे खासे देंगे, प्लस यहाँ पर पॉइंट भी अच्छे खासे देंगे और बेस्ट SP चॉइस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यस एडम सेंटर से करेंगे स्टार्ट, लास्ट मैच का यस एडम का एज अ स्टार्टर करते हुए 41 मिनट टाइम बेस्ट मिला था 8.4 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 ब्लॉक और 1 स्टील के साथ। सेकंड मैच में टाइम कम मिला था यस एडम को, 26 मिनट खेलकर 12.6 असिस्ट 7 रिबाउंड 1 ब्लॉक इन्होंने यहाँ पर दिया था। बाकी जेजनसन GTD गेम टाइम डिसीजन है, खेलते या नहीं खेलते कन्फर्म नहीं। बाकी यस एडम सेंटर से खेलेंगे, टाइम बेस्ट मिलेगा, खास करके लास्ट मैच में बहुत ज़्यादा टाइम मिला था और अच्छे खासे पॉइंट भी यहाँ से दिए थे। बाकी डैलस की तरफ से यल्डोनसिक जिन पर GTD गेम टाइम डिसीजन है, खेलते या नहीं खेलते अभी कन्फर्म नहीं। डैलस के लिए लास्ट मैच का परफॉर्मेंस जो रहा था, यल्डोनसिक लास्ट मैच खेलने रहे थे, जो सेकंड मैच खेल रहे थे तो सेकंड मैच में परफॉर्मेंस यल्डोनसिक का 27 मिनट खेलकर 15.4 रिबाउंड 4 असिस्ट 1 ब्लॉक 1 स्टील। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर 30 मिनट खेलकर 37.7 रिबाउंड और 4 असिस्ट इनकी तरफ से आए थे। बाकी टीबरकस लास्ट मैच में 515 क्रेडिट के प्लेयर है, टीबरकस को लास्ट मैच में टाइम अच्छा मिला था 18 मिनट खेलकर 6.2 रिबाउंड 2 असिस्ट, ऑलमोस्ट यहाँ पर 18 मिनट खेले थे, मतलब 20+ मिनट आपको खेलते हुए दिख सकते हैं अगर यहाँ पर यल्डोनसिक नहीं खेलते। अगर यहाँ पर यल्डोनसिक खेलते तो यहाँ पर टीबरकस को यहाँ पर थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा। जे रिचर्डसन स्टार्ट करेंगे, जेबरसन एज अ बेंच प्लेयर
प्लेयर खेलेंगे, अगर ये यहाँ से आपको यलडॉन से खेलते, अगर यलडॉन से यहाँ पर खेलते तो फिर यहाँ पर आपको जे बंसन एज ए बेंच प्लेयर खेलते हुए दिखेंगे, अगर यहाँ पर यलडॉन सिंह नहीं खेलते तो फिर यहाँ पर जे बंसन एज ए स्टार्टर देखने को मिलेंगे। लास्ट मैच जे बंसन ने स्टार्ट किया था क्योंकि यलडॉन सिंह खेल नहीं रहे थे, और जे बंसन एज ए स्टार्टर करते हुए लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 10.4 रिबाउंड उसी के साथ साथ 2 असिस्ट इनकी तरफ से आए थे। जे रिचर्डसन 11.4 रिबाउंड 3 असिस्ट 1 ब्लॉक 2 स्टील जो सेकंड मैच रहा था जे रिचर्डसन का 10.6 रिबाउंड 3 असिस्ट उसी के साथ साथ यहाँ पर जे बंसन बैन से बेस्ट टाइम मिला था 16.11 रिबाउंड 5 असिस्ट और 1 स्टील। तो जे बंसन बैन से सबसे यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस आया था, बाकी एज ए स्टार्टर करते हुए एवरेज गए थे लास्ट मैच। यहाँ से आपको डी फिनी स्मिथ यहाँ पर एज ए स्टार्टर देखने को मिलेंगे, एवरेज प्लेयर है, रिसेंटली मैचेस इनके लिए यहाँ पर इतने बढ़िया नहीं गए। लास्ट मैच 33 मिनट खेलकर 8.5 रिबाउंड 2 असिस्ट 1 स्टील एवरेज है, बाकी डिफेंसिव ज़्यादा खेलेंगे। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी 11.4 रिबाउंड 2 असिस्ट 6 साथ साथ 1 स्टील, बाकी बहुत ज़्यादा लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं। जेल में ट्राई करना डीजेएल के लिए, यहाँ से डी फिनी स्मिथ आपको बेस्ट पिक यहाँ से मिल जाएंगे। पावर फॉरवर्ड से केपोर जिंग्स जीटीडी गेम टाइम डिसीजन है, लास्ट मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस आया था क्योंकि यलडॉन से खेलने रहे थे तो सारा ऑफेंसिव चार्ज यहाँ पर केपोर जिंग्स ही संभाल रहे थे। 38 मिनट खेलकर 31.18 रिबाउंड 3 असिस्ट 1 ब्लॉक, जो सेकंड मैच रहा था केपोर जिंग्स का यहाँ पर भी 29.9 रिबाउंड 4 असिस्ट 2 ब्लॉक और 1 स्टील के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इनका भी आता है। यम क्लेबर करेंगे स्टार्ट, 9 क्रेडिट के प्लेयर है। लास्ट मैच यम क्लेबर का टाइम बेस्ट मिलता है 32 मिनट खेलकर 3.6 रिबाउंड 1 असिस्ट और 6 साथ 2 ब्लॉक, जो सेकंड मैच रहा था यम क्लेबर का यहाँ पर भी 33 मिनट खेलकर 7.5 रिबाउंड और 1 ब्लॉक के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस आया था। सेंटर से आपको यहाँ पर खेलते हुए दिखेंगे डब्ल्यू क्लिस्टिन, जिन पर जीटीडी अभी गेम टाइम डिसीजन है, फिलहाल कंफर्म नहीं खेलते या नहीं खेलते। डी पॉवेल लास्ट मैच 5.5 क्रेडिट के प्लेयर है, लास्ट मैच इनके लिए बहुत ही बढ़िया गया था। बाकी लास्ट मैच में अगर डी पॉवेल का अगर परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो लास्ट मैच टेन मिनट खेलकर 2 रिबाउंड उसी के साथ साथ 2 असिस्ट और 1 स्टील, जो सेकंड मैच रहा था सेकंड मैच इनके लिए बेस्ट गया था और लास्ट मैच एवरेज गया था। 19 मिनट खेलकर 16.8 रिबाउंड 2 असिस्ट 1 ब्लॉक और 1 स्टील, बाकी अगर यहाँ पर डब्ल्यू क्लिस्टिन खेलते तो डी पॉवेल को यहाँ से कम टाइम मिलेगा। अगर बात करेंगे ड्रीम इलेवन टीम तो पॉइंट गार्ड में अगर यहाँ पर यलडॉन से खेलते तो बेस्ट पिक यहाँ से मिल जाएंगे, यल बॉल जो कि खेल नहीं रहे, बाकी यहाँ से टी बर्कस यहाँ से थोड़े से यहाँ पर बेटर पिक यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी जे रिचर्डसन मस्ट है, ई ब्लेडसन या फिर इयान अलेक्जेंडर, इन दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो। बाकी यहाँ से बिनी इंग्राम यहाँ से बेस्ट पिक मिल जाएंगे। जे हार्टर बैन से खेलेंगे, स्टील बहुत बढ़िया करते हैं, लास्ट मैच में दिए नहीं थे लेकिन सेकंड और थर्ड मैच में इन्होंने 5-5 स्टील दिए थे तो मस्त है, और उसी के साथ साथ अगर स्टील दे दे तो यहाँ पर बेस्ट ड्रीम इलेवन पॉइंट दे देंगे। जेड विलियमसन और केपोर्जिक्स दोनों यहाँ से मस्त है। अगर सेंटर की बात करूँ तो सेंटर अभी के लिए डी पॉवेल के साथ जा रहा हूँ, अगर डब्ल्यू क्लिस्टिन खेलते तो डब्ल्यू क्लिस्टिन यहाँ से बेस्ट पिक यहाँ पर मिल जाएंगे। जे जॉनसन जिन पर जीटीडी अभी गेम टाइम डिसीजन है, खेलते या नहीं खेलते अभी कन्फर्म नहीं, यहाँ से आप यस एडम यहाँ से बेस्ट पिक मिल जाएंगे। बाकी डी पॉवेल को अभी के लिए ड्रॉप करो, यस एडम जो कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट मैच में सबसे बेस्ट टाइम मिला था इसलिए यहाँ पर यस एडम के साथ मैं आपसे जा रहा हूँ। ये हुई ड्रीम इलेवन टीम, यहाँ पर ये कंसीडर करके टीम बना रहा हूँ। यलडॉन सिंह नहीं खेल रहे, अगर यलडॉन सिंह खेलते तो फिर यहाँ पर केपोर जिंग्स हो सकता है आज का मैच नहीं खेलेंगे, जिन पर जीटीडी गेम टाइम डिसीजन है। अगर यहाँ पर यलडॉन सिंह खेलते उसी के साथ साथ यहाँ पर केपोर जिंग्स भी खेलते तो ये मेरी फाइनल टीम होंगी। उसी के साथ साथ एफसीपीपी चॉइस की अगर बात करूँ तो बेस्ट एसपी चॉइस यहाँ से आपको मिल जाएंगे जेड विलियमसन, और उसी के साथ साथ बेस्ट पीपी चाइविस केपोर्जिंग्स यहाँ से मिल जाएंगे। केपोर्जिंग्स को एसपी कब बनाना है, जब यहाँ से यलडॉन से खेलेंगे नहीं। अगर यहाँ पर केपोर्जिंग यलडॉन सिंह अगर नहीं खेलते तो केपोर्जिंग जो है तो सारा ऑफेंसिव चार्ज संभालेंगे, अगर यहाँ पर यलडॉन सिंह संभाले अगर यलडॉन सिंह खेलते तो फिर यहाँ पर केपोर्जिंग्स को पीपी रहने देना, बाकी जेड विलियमसन को यहाँ से एसपी बना देना। बाकी जो भी फाइनल टीम और फाइनल अपडेट होंगी टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, उसके साथ साथ आपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा। तो मिलते फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर।